हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द कार ऑटो। सो आज हम बात करने वाले हैं जीप की जूनियर के बारे में, जो इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हैं, जिसका सीधा मुकाबला टाटा की ब्लैकबर्ड से होने वाला है। टाटा की नेक्सॉन के साथ, रेनो की काइगर, हुंडई की वेन्यू के साथ, और किया की सोनेट और इको स्पोर्ट, और इन सभी कारों से इसका तगड़ा मुकाबला होने वाला है। हालांकि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। जब ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। और वहीं अगर मैं जीप की जूनियर की बात करूं तो इस कार के अंदर आपको बहुत ही अच्छे फीचर मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने के बाद ये गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगती है, जो कि बताया जा रहा है इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर फर्स्ट सेगमेंट फीचर मिलने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसके अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलने वाला है। मतलब इंडिया में ऐसा पहली बार होने वाला है कि एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन मिलेगा। आपको सोचो यार, कितना ज़्यादा बेहतर है कि एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, वो भी 4x4 ऑप्शन के साथ, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट होने वाली है। डेफिनेटली भाई कि ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद बिल्कुल तबाही मचाने वाली है। और इसके अलावा कंपनी इसको कॉमन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर इसको बनाएगी, और जो इसके अंदर बहुत सारे फीचर मिलने वाले हैं वो सिट्रोन की C3, इसके जो बहुत सारे फीचर्स हैं वो सिट्रोन की C3 है, जो ग्लोबल मार्केट में सिट्रोन अपनी C3 को बेचती है, और जो कि इसके बहुत सारे एलिमेंट्स आपको जीप की जूनियर में देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको ऑफर किया जाएगा 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 163 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क। और दूसरा है 2.0 लीटर का डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क। और इसके अंदर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। तो इसी बात पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हम इसके फ्रंट लुक की और इसके बैक लुक की बात करें तो इसके फ्रंट लुक और बैक लुक बहुत ही ज़्यादा बेहतर लग रही है। अगर आप इसके फ्रंट लुक को देखेंगे तो आपको इसका जो फ्रंट लुक है बिल्कुल जीप जो वॉगनर आती है उसकी तरह देखने में लगेगा। इसके फ्रंट लुक में आपको 7 स्लॉट ग्रिल देखने को मिलेगी, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यही सेम ग्रिल आपको जीप की वैगनर में भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा आपको इसके सामने फ्रंट लुक पे LED DRLs का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इसके फ्रंट में आपको फुल प्रोजेक्ट हेडलाइट्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कंपनी प्रोवाइड करेगी। और इसके फ्रंट लुक में आपको LED फॉग लाइट्स भी देखने को मिलेगी, और बहुत सारे एलिमेंट्स आपको इसके फ्रंट लुक में देखने को मिलेंगे जो कंपनी प्रोवाइड करेगी। और इसके फ्रंट के बम्पर और जो इसके फेंडर्स रहेंगे और जो साइड की क्लैडिंग रहेगी और जो रियर के बम्पर्स रहेंगे, ये सभी आपको ड्यूल टोन कलर्स के साथ देखने को मिलेंगे। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको साइड में इसको, जो कि बहुत ही बढ़िया लुक है, साइड प्रोफाइल में आपको देखने को मिलेगी। यह कार आपको बिल्कुल डुअल टोन कलर्स के साथ देखने को मिलेगी। और अगर रियल प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर रियल प्रोफाइल में आपको LED टेल लैंप देखने को मिलेगी, और जो इसके रियर के बम्पर है वो काफ़ी मस्कुलर लुक दे रहे हैं, वो भी डुअल टोन कलर्स के साथ। और इसके रियर में आपको वाइपर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और कंपनी ने इसके अंदर आपको सार्फ एंटीना भी देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगता है इसके रियर प्रोफाइल में देखें तो। और अगर इसके इंटीरियर की फीचर्स की बात करें तो इसके इंटीरियर में आपको, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स प्रोवाइड करेगी कंपनी इसके अंदर, जीप की जूनियर की इंटीरियर में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक्स और बहुत ही ज़्यादा बेहतर फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके 9 इंच का टच स्क्रीन, जो कि एंड्रॉयड ऑटो का, एप्पल कार प्ले, नेविगेशन सिस्टम, और इसके अलावा इसके अंदर कार कनेक्टिविटी फीचर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। हाँ, लेकिन इस सेगमेंट में ऐसी बहुत सारी कारें हैं जिसके अंदर आपको कार कनेक्टिविटी का फीचर्स नहीं मिलता, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको कनेक्टेड कार का भी फीचर्स मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है इस सेगमेंट में। और इसके अलावा इसके इंटीरियर कलर जो बिल्कुल ब्लैक होने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी लुक दे रहा है। और इसके डैशबोर्ड में आपको ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी, और इसके अंदर आपको लेदर अपहोल्स्ट्री का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी, और इसकी इंटीरियर में आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स इन कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो कंपनी इसके अंदर काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स देने वाली है। इसके अंदर 4 एयरबैग्स का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ABS, EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे ऑप्शन भी इसमें देखने को मिलेंगे। ऑफिशियली ये 4x4 है, तो इसके अंदर आपको हिल होल्ड कंट्रोल फीचर्स भी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, और इसके अंदर कई सारे ऐसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स हैं जो इसके अंदर कंपनी प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि ऑफिशियली ये 4x4 ऑप्शन साथ लॉन्च होने वाली है, तो कंपनी इसके अंदर सेफ्टी के मामले में कोई भी छूट नहीं करने वाली। और अगर इसके लॉन्चिंग की बात करें तो कंपनी सबसे पहले जीप कंपास का 7 सीटर वर्जन लॉन्च करेगी, और उसके बाद ही कंपनी इसको लॉन्च करेगी, जीप जूनियर को लॉन्च करने वाली है। लेकिन इस कार को कंपनी इस साल के एंड में रिवील किया जा सकता है, मतलब कि इस कार का जो डेमो है वो इस साल के एंड में स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो जीप इस गाड़ी को
6 लाख से लेकर 10 लाख के प्राइस में लॉन्च करेंगी तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि इंडिया के अंदर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी 5.5 लाख से स्टार्ट होकर 10 लाख रुपये तक मिल जाती है, लेकिन अगर 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 जीप अपने इस जूनियर को ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराना चाहती है, अगर ज़्यादा सेल्स की प्रोवाइड कराना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी ने इसके अंदर 4x4 का ऑप्शन दे रखा है, तो उस प्राइसिंग की बात करें तो ये कम से कम 9 लाख से स्टार्ट होकर 15 लाख रुपये तक मिल सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो चलते हैं।